खाना खाओगे ना तो करेगी। मैं खाना खा रहा था और तुम मुझे खाना खिलाने की बात कर रही हो। क्यों भगाया उसे हाँ? क्यों भगाया? किसको भगाया? वो उसे, क्या है इसका नाम? कैसी है? हाँ? कैसी लगी? ये कौन है? अरे मेरी ड्रीम गर्ल है ये। वाह, वेरी ब्यूटीफुल, एकदम दीपिका। दीपिका, वैसे दीपिका, यहाँ तुमने कौन सी फिल्म देखी? यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं आता ना। नेट, कौन सा नेटवर्क? तुम जानती हो ना इसे? कौन है ये? हाँ, कौन है? हाँ, नाम बहुत खूबसूरत है ये, बहुत खूबसूरत। आंखें तो देखो, माशाल्लाह। और बाल तो देखो, मुझसे भी घने, एकदम काले घटा जैसे। तुम जानती हो ना इसे? कौन है ये? वो कौन है? वो मैं। अरे नाम क्या है इसका? क्या नाम बताऊं? मैंने पूछा नाम क्या है इसका? पादुकोण, दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण? दीपिका पादुकोण, अगली बार आऊंगी ना, प्रॉमिस, इसे अपने साथ लाऊंगी। दीपिका पादुकोण? हाँ, देखो मेरी दीपिका पादुकोण, अगर अगली बार इसे साथ नहीं लेकर आई ना, तो मैं... नहीं, 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 मैं लेकर आऊंगी, तुम यहीं रुकना। रणवीर सिंह समझ रहा है। अरे यार, इतनी बड़ी पार्टी है, देयर इज नो म्यूजिक, नो डांस, फिर क्या ही मजा है? कैन वी हैव सम म्यूजिक प्लीज? नहीं, I'm sorry. मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। ओके ओके। अगर ये सच में प्रदा है तो इसकी असलियत सामने लाने का एक ही तरीका है, नागिन की सबसे बड़ी दुश्मन बीन। मैंने एयरपोर्ट लगा लिया है तो बीन की आवाज मुझे नहीं सुनेगी। क्या क्या क्या? योके, योके, तुम ठीक हो? I'm not okay. मुझे लगता है कि मेरी ड्रिंक में किसी ने कुछ मिला दिया था, इसीलिए जब से वो पिया है तब से मुझे हेडेक हो रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, यू नो। तुम रेस्ट कर लो भाई। हाँ, वैसे भी तुम बहुत थकी हुई हो, यहीं पे रेस्ट करो। आओ चलो दिव्या। ओ, तो सिर्फ उस स्पेशल जूस की वजह से उसकी तबीयत खराब हुई थी, पीन का तो कोई असर ही नहीं है उस पे। दिव्या के फोन से मैसेजेस चेक करता हूँ वियान के, क्या चक्कर चल रहा है उसका वियान के साथ, देखता हूँ भाई, अब पता चलेगा उसकी वियान से बात हो रही है या नहीं। विहान के मैसेजेस तो अभी भी आ रहे हैं।
अब तुम दिव्या का फोन चेक कर रहे हो? क्यों? ये चेक करने के लिए कि उसका तुम्हारे भाई विहान के साथ अफेयर चल रहा है या नहीं? अभी लूजर, व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद यू? तुम्हें क्या लगता है अगर वो चैट कर भी रहे तो तुम कौन होते हो उनसे रोकने वाले? तुम भी तो चैट करते थे ना मेरे साथ। ना किसी का फोन इस तरह चेक करना। वेट, आई जस्ट गो एंड टेल दिव्या एवरीथिंग। सब कुछ बता दूंगी, इनफैक्ट तुम्हारे और मेरे बारे में भी सब कुछ बता दूंगी। बड़ी हेल्प, दिव्या कोई नहीं, उसके भाई राजेश प्रताप सिंह को भी बता दूंगी, और वो जो उनके रिश्तेदार आए ना उत्तराखंड से, उनको भी बता दूंगी कि तुम कितने बड़े कमीने हो, कि तुमने दो लड़कियों को मार भी दिया और तुम्हारे ऊपर उनका खून का इल्जाम है। सब कुछ बता दूंगी उसको जाके। वेट एंड वॉच। किसी को कुछ भी बोलो, समझ आया? समझ आया तुम्हें? मैं तो बताऊंगी उसे, सब कुछ बता दूंगी मैं। मान जा, नहीं तो नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मैं बचा के रहूंगी। तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी, समझ आया? समझ आया? Stop it! अरे बोला ना, तुम किसी को कुछ नहीं बोलोगी। समझ नहीं आता? मैं तुम्हारा पर्दाफाश करके रहूंगी, सब कुछ तक बता दूंगी। नहीं बोलोगी, समझ आया? हाँ, कुछ नहीं बोलोगी। हाँ, रिया, 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 ओह नो, ये तो मर गई। ओह, क्या करूं? इसको किसी ने देख लिया तो इसकी बॉडी छुपा दो। एक्चुअली कियारा इज नॉट फीलिंग वेल, और तुम्हारा रूम पहले था तो हम यहाँ आ गए। ओह गॉड, इन्हें पता ना चल जाए कि मैंने रिया को मार दिया। एक्चुअली मुझे वॉशरूम जाना है। नहीं नहीं, वहाँ मत जाना। क्यों? वो एक्चुअली वॉशरूम बहुत गंदा है। इट्स ओके, मुझे वैसे भी बस मुंह पे पानी मारना है। तुम जाओ। क्या हुआ दिव्या? भाई चिपकली थी, मैं डर गई थी, सॉरी। अभी तो चली गई वो। डेड बॉडी तो वॉशरूम में छुपाई थी, वो कहाँ गई? भाई रिहान, आप लोग जाइए प्लीज, कियारा थोड़ा फ्रेश हो लेगी। श्योर, आ जाओ भाई। नहीं दिव्या, मैं ठीक हूँ, मैं आ जाऊंगी। श्योर? या ओके।
आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आपकी एक्स वाइफ ने आपको कभी धोखा नहीं दिया है। वो आपसे बहुत प्यार करती थी शीला, यू लाइक अ क्रेजी वुमन। ये मैंने क्या किया? ऋषभ से इतनी खुल के बात कैसे कर ली कि वो वही है जिसे अपनी बीवी के साथ रिश्ते में बेवफाई की? और कुछ पल के लिए मैं ये भी भूल गई कि मैं किया रहा, मैं तो बिल्कुल प्रथा की तरह बातें कर रही थी। ये मैं क्या कर रही हूँ? नहीं, अब मैं इन सब का अपने आप पे कोई असर नहीं पड़ने दूंगी। मैं बदला लेने आई हूँ, बदला लेके जाऊंगी। समझ नहीं आ रहा यार कुछ। राजेश, कियारा नहीं दिखाई दे रही? अरे बबी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो रेस्ट कर रही है, आ जाएगी थोड़ी देर में। लो, आ गई। मैं कहीं भी हूँ, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, सच और झूठ से बहुत फर्क पड़ता है मुझे। प्यार करने लगी हूँ मुझसे, चाहने लगी हूँ मुझे, इस शादी निभाना चाहती हो। तुम ये चाहती हो कि ये शादी चले? तुम कहती हो कि तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो, पैसों के लिए यहाँ पर आई हो। तुम्हारी आंखों में तो मुझे कुछ और ही दिखता है। प्रथा, ये तुम्हारा अतीत है और अतीत को पीछे ही छोड़ देना चाहिए। जो हासिल है तुम्हें पसंद नहीं, जो पसंद है उसी को हासिल कर लो। एक्सक्यूज मी एवरीवन, चलिए चलिए सगाई शुरू करते हैं वरना मुहूर्त निकल जाएगा। मॉम, रिया नहीं दिखाई दे रही है, कहाँ वो? शायद अंदर चली गई होगी। वैसे भी आई डोंट थिंक सो वो रेहान की सगाई देख पाएगी। उसे यहाँ बुलाना भी मत, समझी तुम? बड़ी मुश्किल से तो रेहान से पीछा छुड़ाया मैंने उसका। क्या हो गया? या तो मर गई, उसकी डेड बॉडी तो वहां थी, फिर कहां? रेहान, आजा। क्या हुआ रेहान, तुम इतना टेंशन में क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं कुछ नहीं, I'm fine। किस बात की देरी हो रही है? चलो रिंग्स एक्सचेंज कीजिए ना। Mr. Rishabh, Rishabh,
इंस्पेक्टर विजय, यहाँ कैसे आना हुआ? क्या हुआ, आपने बताया नहीं, कैसे आना हुआ? मिस्टर ऋषभ, हम आपको सावधान करने आए हैं। मेरी फैमिली के लिए इतना कंसर्न दिखाने के लिए बिग थैंक यू। स्टे अलर्ट, कुछ भी हो सकता है। मेरी नजर भले ही सिर्फ मेरे बदले पे हो, पर अब मैं किसी लड़के को किसी और लड़की की जान नहीं लेने दूंगी। मौत के इस सिलसिले को मैं रोकूंगी और इसके लिए मैं कल रात फिल्म के प्रीमियर पे जाऊंगी। क्या वो, तुम इतनी परेशान क्यों? तुम सिर्फ अपने बदले पे फोकस करो। मेरी नजर मेरे बदले पर ही है, पर बात अगर किसी लड़की की सुरक्षा की है तो मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। मुझे पता लगाना ही होगा कि वो सीरियल किलर है कौन। मेरा तो बहुत बड़ा कांड हो गया यार। क्या कर दिया? मैंने रिया का खून कर दिया। What? ये रीम को पता चलते टाइम नहीं लगेगा। सबसे टेंशन वाली बात तो ये है, उसकी बॉडी वॉशरूम में चुभाई थी, बॉडी वहां से गायब है। अबे पागल हो गया क्या? समझ नहीं आया। पता भी है, किसी को पता लग गया तो क्या होगा? उस बंद दरवाजे के पीछे जरूर कोई इंसान कैद है। इस घर में एक नहीं, कई राज दफन है। दिखता नहीं, पर यहां कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा हो रहा है। विनी, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, तो फिर तुम उससे शादी क्यों कर रही हो? कौन हो तुम? मैंने तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं किया। पैसे तो है नहीं तुम्हारे पास, तो इसे तुम मेरा ब्रेकअप समझो। मतलब तुमने मुझे यूज किया? हाँ, यूज किया, पर तुम्हें नहीं, तुम्हारे मोबाइल को, तुम्हारी बाइक को। So now you get lost. तुम फिर आ गए, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। सही मौका है ना, अगर किसी ने रिया की मौत पे सवाल उठाया तो बोल देंगे कि सीरियल किलर ने टपका दिया होगा। आंटी, रिया का है? बिजी होगी या फिर कहीं चली गई होगी। चली गई मतलब कहाँ चली गई, बता के नहीं गई? क्या बात है, कुछ ज्यादा ही फिक्र हो रही है मेरी बेटी की। वो सीरियल किलर की इतनी न्यूज़ आ रही थी और रिया दिख नहीं रही, तो हमें टेंशन हो रही थी कि कहीं सीरियल किलर ने भी रिया के साथ कुछ। जस्ट शट अप, मेरी बेटी के बारे में बकवास करने की जरूरत नहीं, समझे? माइंड योर ओन बिजनेस।
आज पंडित जी आने वाले हैं शादी की डेट डिसाइड करने के लिए. आई एम सो एक्साइटेड. शादी की डेट्स हम भी तो फाइनलाइज कर सकते हैं ना, वो भी कुछ बुरी नहीं होंगी. नो नो नो, शादी की डेट तो पंडित जी निकालेंगे. आफ्टर ऑल ये मेरी सिस्टर नॉ है ना. मिस्टर राजेश प्रताप सिंह, आप फिल्म एक विलन के प्रीमियम में. एक विलन में ऐसा क्या है जो आपको यहाँ ले आया? भाई मैं तो अर्जुन कपूर का बहुत बड़ा फैन हूँ, उनकी सारी फिल्में देखी मैंने और इस फिल्म का ट्रेलर देख के भी मुझे लगा है कि ये फिल्म भी धमाकेदार होगी, इसलिए मैं फैमिली के साथ आया हूँ. और मैं माँ? मैं भी बहुत बड़ी फैन हूँ अर्जुन कपूर की और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये फिल्म देखने के लिए. सर ऋषभ, ऋषभ मुझे ना अर्जुन कपूर से मिलना है, प्लीज मिलवा दो ना. पर मैं कैसे? अरे प्लीज. मिस्टर गुजराल, मिस्टर गुजराल आपको पता है ना कि यहाँ पे इस इलाके में एक सीरियल किलर आया है. एक सीरियल किलर जो एक विलन की कहानी को असल जिंदगी की तरह जी रहा है. प्लीज अलर्ट रहें और हमें खबर मिली है कि वो आज शाम को यहाँ पे इस प्रीमियर में आ सकता है. और क्योंकि आज शाम को इस प्रीमियर में बड़े बड़े सितारे आए जैसे अर्जुन कपूर, तारा सुतारिया, इसीलिए वो सीरियल किलर कभी भी किसी को अपना निशाना बना सकता है बहुत आसान तरीके से. तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब चौकन्ने रहे, अलर्ट रहें. और हाँ मिस्टर ऋषभ, आप प्लीज अपने फैमिली को महफूज रखिए. और हमें पता चला है कि ये सीरियल किलर इस फिल्म से इतना प्रभावित है, इतना इन्फ्लुएंस्ड है अपने टूटे हुए दिल का, और दूसरे के टूटे हुए दिल का बदला खुद लेगा. सो प्लीज बी अलर्ट बिकॉज ही इज वेरी डेंजरस और हमें किसी भी हाल में उसे आज कैच करना है, पकड़ना है. सो प्लीज संभल के रहिए. थैंक यू इंस्पेक्टर. कोई था अभी यहाँ? तुम अर्जुन कपूर नहीं हो? कौन है तुम और अर्जुन कहाँ है? तो ये है वो सीरियल किलर. क्या कर रहा है? अरे आप, मुझे लगा कोई और है. मैं ही हूँ. लेकिन आप एक बात नहीं जानते, यहाँ एक सीरियल किलर भी घूम रहा है. पता है मुझे. चलो नाइस. व्हाट नाइस? वो छोड़ो, मैं तो हीरोज को ढूंढ रही हूँ. वो तो हॉट हीरोज. दो क्या, एक भी नहीं दिखा. मैं अर्जुन कपूर को देखने गई थी ना, वो तो कोई डूप ही निकला. बट मॉम आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट वॉचिंग दिस मूवी. हाँ बहुत मजा आएगा ना. मैं आती हूँ. खुद के पति को तो देखती नहीं है, दूसरे के होने वाली पति को ताड़ती रहती. मॉम प्लीज, रितेश को कौन देखेगा? और वैसे भी रितेश की बातें क्यों कर रहे हो आप? यहाँ पे अर्जुन कपूर है. मॉम बताए, अर्जुन इज माय फेवरेट हीरो. लेकिन वो किसी और को डेट कर रहा है ना, तो आरपीएस इज नॉट अ बैड चॉइस. वैसे मॉम मैं एक बेटर लाइफ पार्टनर और बेटर लाइफ डिजर्व करती हूँ, तो आप प्लीज
अब फेसेस मत बनाना। पड़ेगा। ये रिया कहाँ रह गई है? है कहाँ ये लड़की? पता नहीं मॉम। रेहान और दिव्या की शादी को लेकर बहुत अपसेट है ये। कल से घर भी नहीं आई है। इतने फोन ट्राई कर चुकी हूँ, फिर भी मेरा फोन नहीं उठा रही है। और अब तुम्हारे नंबर से भी नहीं उठा रही है। ट्राई करो उसको। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। By the way, अगर आप यहाँ पे हैं तो वहाँ पर कौन है? वो पुलिस मुझे ढूंढ रही थी। They wanted me to be safe, तो मैंने अपने एक आदमी को वहाँ भेज दिया। Okay. Mr. Singh, क्या रहा? भाई ये है मिस्टर ऑपियस और ये है क्यारा। आपको कौन नहीं जानता? आपको भी कौन नहीं जानता। Hi. How are you? Very good, how are you? वैसे थैंक यू हमारे फिल्म के प्रीमियर पे आने के लिए। अरे आप थैंक यू मत कीजिए, ये तो हमारी खुशनसीबी है कि आपकी फिल्म रिलीज होने से पहले हमें आपकी फिल्म देखने का मौका मिल रहा है। वैसे कहानी क्या है, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि 29 जुलाई को जो आपकी फिल्म रिलीज हो रही है एक विलन, उसका विलन एक्चुअली कौन है? चारों विलन है। एक तरफा प्यार, किसी को किसी का प्यार नहीं मिला। जब किसी को प्यार नहीं मिलता है तो उसके अंदर का विलेन जाग जाता है। काफी दिलचस्प है। हाँ, दिलचस्प तो है। फिल्म में एक्शन है, रोमांस है और सस्पेंस भी है। कहानी का सबसे बड़ा विलेन है एक तरफा प्यार। जब किसी का दिल टूटता है तो उसे खुद ही संभालना पड़ता है, और कभी कभी उसी वजह से इंसान एक विलेन बन जाता है। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी कि आपकी फिल्म की चर्चे बहुत है, लोग बार लाइन लगा के खड़े फिल्म देखने के लिए। नहीं यार, वो तो मोहित का म्यूजिक और हमारी फिल्म के एक्शन की वजह से। नहीं, मेरा मानना है कि लोग आपकी वजह से फिल्म देखने जा रहे हैं। सीरियसली, आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे कुछ कर रहे हो आप फिटनेस के लिए? थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट यार। ये एक्चुअली ये फिल्म की स्क्रिप्ट जब मैंने सुनी तो मैं फायदा हो गया, और फिल्म के लिए मेहनत करनी तो जरूरी होती है। ये स्क्रिप्ट ही ऐसी है यार, आपको पता नहीं लगता कि कौन हीरो है और कौन विलेन, कब कहा किसने कौन सा नकाब पहना है और किस नकाब के पीछे विलेन छुपा हुआ है। इंटरेस्टिंग है। नहीं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी फिल्म के लिए। थैंक यू। अब रिहान, तुम्हारी कोई कोई फ्रेंड थी ना जिसको तुम बहुत ज्यादा लाइक करते थे, क्या नाम था उसका? रिया। यस, मैं उसको फोन कर रही हूँ, कब से वो फोन ही नहीं उठा रही, तुम्हें पता है कहाँ है? मैं क्या करूं अगर वो फोन नहीं उठा रही तो? एक तो इनको खुद ही नहीं पता होता इनकी बेटी का है, और ये सीरियल किलर जो घूम रहा है शहर में, कुछ भी हो सकता है इनकी बेटी के साथ। चलो तुम। वैसे मुझे पता नहीं कि आपकी प्रिटी गर्ल के सामने। शी इज माय फियांसे कियारा। हाय कियारा, नाइस टू मीट यू। हाय अर्जुन। कियारा, तो अगर ये बुरा ना माने तो एक सवाल पूछूं आपसे? श्योर श्योर श्योर। आपका कभी दिल टूटा है? You mean heartbreak? हाँ, मतलब किसी ने आपका कभी दिल दुखाया हो या तोड़ा हो, किसी ने आपको प्यार में धोखा दिया हो। जी, एक ऐसा आदमी था जिसने मेरा दिल तोड़ दिया था। मैं जब कॉलेज में थी तो एक बहुत मस्कुलर क्यूट फुटबॉल प्लेयर था, और सडनली मैं उसके प्यार में पड़ गई, पर उसे मेरी बेस्ट फ्रेंड पसंद आ गई थी। तो ये तो थोड़ा क्रश टाइप हुआ ना। मैंने प्यार भी किया है और धोखा भी खाया है। Really? आप तो धोखा देने वालों में से। और आप मेरे बारे में इतना कैसे जानते हैं? बहुत बड़ा धोखा खाया था मैंने। सच्ची? शायद इसीलिए आप एक विलन बन गए। बना तो नहीं, पर महसूस कर सकता हूँ।
ये भी महसूस कर सकता हूँ कि आपको कैसा लगा होगा जब आपको धोखा मिला था। बहुत मुश्किल हुई होगी, नहीं? But anyways, क्या फर्क पड़ता है, राइट? Sorry, I'll be right back. कियारा, प्रीमियर शुरू होने का वक्त हो गया। You want something? मैं लेकर आता हूँ। चले। ये रिया फोन क्यों नहीं उठा रही है? मुझे बहुत टेंशन हो रही है, अब क्या करूं? लगता है अब पुलिस से बात करनी ही पड़ेगी। ओह नो, आज नहीं तो कल सबको पता चल ही जाएगा कि रिया को मैंने, मेरा राज खुल गया तो। नहीं नहीं, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अब इंस्पेक्टर विजय। यस। मेरी बेटी रिया कल से गायब है। मैंने बहुत फोन किए लेकिन वो फोन नहीं उठा रही है। ये बात आपने हमसे पहले क्यों नहीं कही? ओके, एनीवेज, आपने लास्ट टाइम उसे किसके साथ देखा था, कहाँ देखा था, प्लीज बताइए हमें। रेहान, मैंने लास्ट टाइम उसे रेहान के साथ देखा था। हाँ, वो रेहान के साथ बात कर रही थी। रेहान के साथ? जी। तो रेहान से तो हमें भी बात करनी पड़ेगी, प्लीज। चलिए। रेहान, रेहान यही था ना, कहाँ गया? अब पुलिस मेरे पीछे आएगी और फिर सवाल पे सवाल, और मार मार के वो मुझसे उगलवाई लेगी कि मैंने उसे मारा है, पर मुझे पता ही नहीं उसकी लाश का है। हाँ, अभी तो मेरे साथ ही था, उस तरफ गया है। वहाँ? चलिए चल के चलिए। लाश चल रही है। तो रेहान है ना? Oh my God, रेहान! 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 ये यहाँ
बेहोश कैसे? गाइस, इसे उठाओ और अंदर ले चलो। जी सर, संभाल के। नागिन के बदले की शुरुआत हो चुकी है, अब होगा नागिन के इंतकाम का दूसरा वार।